नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूडेक चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूडेक एजी में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। काफी लोग ने मुझे पूछा है कि आप अपनी व्हाट्सएप की जो प्रोफाइल है, फोटो है, वो कैसे आप जो है बिना क्रॉप के लगा लेते हैं, कैसे पूरी की पूरी लगाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, व्हाट्सएप का सीधा सीधा फंडा क्या होता है कि वो मतलब जैसे आप कोई प्रोफाइल पिक्चर लगाने लगते हैं तो क्या होता है कि वो क्रॉपिंग सिस्टम मांगता है। मतलब अपने फिक्स वेरिएशन के अंदर ही आपको जो है फोटो एडिट करने का, मतलब फोटो प्रोफाइल एडिट करने का सिस्टम देता है। लेकिन इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी पूरी की पूरी प्रोफाइल पिक्चर, पूरी की पूरी डीपी जो है व्हाट्सएप में लगा सकते हैं। तो सीखने के लिए आप बने रहें इस चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के वीडियो के लिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि से संबंधित बहुत सारी वीडियोस है और आप देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमारे फोटोशॉप जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ ऐसे बहुत सारे कोर्सेज भी हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं वन बाई वन के करके वीडियो देख सकते हैं। उनके पूरे सीरियल वाइज हमारे टॉपिक पर है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी फोटोशॉप की। तो इस तरह आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना है जिससे आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन आदि सूचना मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में चलना है, सिंपली वही फंडा मतलब पुराना। सबसे पहले जो है हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में चलने के बाद यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, व्हाट्स क्रॉप जो है लिखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्हाट्स क्रॉप, यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हाट्स क्रॉप। और यहाँ पर जैसे व्हाट्स क्रॉप में सर्च करता हूँ और यहाँ पर क्या आता है कि मेरे सामने जो है, सॉरी इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हो चुका था बीच में, तो ये जो ऐप है आपके सामने दिख रहा है, इस ऐप का इंटरफेस। और इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है। अब आपको सिंपली इसको ओपन करना है, मैं भी इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद में क्या होगा कि इसमें पहले से एक इमेज जो है मेरी ली हुई थी, तो चलिए दूसरी इमेज लेते हैं। नीचे गैलरी वाला आइकन, इस पर क्लिक कर लीजिए, सिलेक्टेड फोटो पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, कोई भी इमेज ले लीजिए जो आपके पसंद की हो, कोई भी लंबी चौड़ी इमेज ले लीजिए उसको, जो कि क्रॉप में नहीं आ रही हो तो वो यहाँ से आकर जो है कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज है, ये मान लीजिए ये एक ओप्पो फोन की जो है फोटो है और हम यहाँ से इतने इसको लगाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पूरा का पूरा फिट आ जाएगा। यदि आप फ्रेम हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं यहाँ से। देखिए एडिट वाले पर आकर फोटो फ्रेम को आप चाहे तो नन पर रख सकते हैं और इस तरह से देखिए व्हाट्स क्रॉप की जो है फोटो फ्रेम आने लग जाएगी। इस तरह से जो है बहुत सारी डिजाइनिंग आपको देखने को मिलेगी, मतलब क्लासिक फ्रेम किस तरह से। मैं क्लियर पीएनजी पर क्लिक कर देता हूँ और इसको जो है ऐसे रहने देता हूँ। और अब हम विदाउट फ्रेम भी जो है इसमें एडिट कर सकते हैं, अपनी चाहे जितनी पीछे लगा सकते हैं। चलिए पूरा का पूरा लगा लेते हैं और इतनी थी इमेज हम पूरी लगा देते हैं। और इसको क्या करते हैं, हम सिंपली अब एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं और अब ऑटोमेटिक ही व्हाट्सएप की प्रोफाइल पर चला जाएगा, प्रोफाइल खुद ही चेंज कर देगा। चलिए ऐड आ गया, इसको उठा देते हैं और ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग इस तरह से हो रही है आसानी से। और अब प्रोसेसिंग होने के बाद में क्या होगा कि व्हाट्सएप की प्रोफाइल को देखिए अब मांग रहा है, ऑटोमेटिक व्हाट्सएप में आ चुका है। देखिए ऊपर का, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो व्हाट्सएप का इंटरफेस है और इसको डन कर देते हैं। और डन करने के बाद देखिए व्हाट्सएप की ये प्रोफाइल पिछली वाली थी और अब ये नई अपडेट हो चुकी है, ऑटोमेटिक आपको व्हाट्सएप में लेकर चला जाएगा। इसका फायदा ये है क्योंकि बहुत सारे ऐप है जो व्हाट्सएप में नहीं लेकर चलते। और ये सिंपल तरीका था जिसे मैंने आपको समझाया है, बहुत ही इजी तरीका था। यदि अब आपको आगे से अपनी पीसी जो है क्रॉप करके लगाने की, अपने साथ एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, कोई सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आप आसानी से जो है अपनी पीसी को फिक्स साइज दे सकते हैं एक व्हाट्सएप की प्रोफाइल के लिए और आप अपनी प्रोफाइल पूरी पूरी व्हाट्सएप की जो डीपी है पूरी की पूरी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे और हैप्पी क्रिसमस।